सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छा को शांत करो। अवकाश से कोई छोटा बड़ा नहीं होता दोस्तों, सोच से होता है। इतना सस्ता और कहां सौदा मिलेगा, बीज दो जमीन को और पौधा मिलेगा। आज का पंचांग 27 नवंबर 2021 दिन शनिवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 6 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नामक नक्षत्र रात्रि 9:53 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:33 से 10:53 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:52 से 12:35 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। तुला राशि 27 नवंबर 2021 दिन शनिवार, आज आपका मूड बदलता रहेगा। आप खुद भी यह नहीं समझ पाएंगे कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं और स्थिति को कैसे बदलें। आपके इस प्रकार के व्यवहार से दूसरे भी उलझन में रहेंगे, फिर भी किसी भी स्थिति में ईमानदार बने रहें क्योंकि इसी से आपको अपने लक्ष्य पूरे करने में मदद मिलेगी। आज सब चीजों को हल्के में लें और खुद को बस निरीक्षक की भूमिका तक सीमित रखें। आप निजी और पेशेवर रूप से सर्वश्रेष्ठ जगह पर हैं। अपने आत्म मूल्य के आधार के साथ अपने रचनात्मक पक्ष को भी व्यक्त करें। कोई नया अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, इसका साहस पूर्वक पीछा करें। आज दोस्तों के साथ मस्ती करने और घूमने का योग है। मिलने जुलने के साथ पार्टी भी कर सकते हैं। लक्ष्य को अपनी नजरों से ओझल न होने दें। आप फालतू बातों से बचें क्योंकि इससे ठेस लग सकती है। आज आपकी ऊर्जा थोड़ी कम हो सकती है किंतु इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भाग्य आपके साथ है। ग्रह गोचर अनुकूल बना हुआ है, वैसा बनी रहेगी परंतु आप मेहनत द्वारा अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बस यह ध्यान रखें कि कोई भी कार्य बिना योजना के ना करें। घर परिवर्तन संबंधित भी कुछ कार्य की योजनाएं बनेगी। मन की चंचलता पर काबू रखने की भी जरूरत है। जिज्ञासा की वजह से ही मन में चिंता भी हो सकती है। जीवन में जरूरत से ज्यादा दखल देने से बचें। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगा रहेगा। लव रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव बने रहेंगे लेकिन चिंता की बात नहीं होगी। बच्चों को डायरिया और पेट संबंधी तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। मार्बल ग्रेनाइट के व्यापारी लाभ में रह सकते हैं। गैर सरकारी स्टेशनरी सप्लायरों के लिए समय अच्छा नहीं है। मंत्री बनने की उम्मीद में बैठे राजनेताओं को अपनी इच्छा पूरी होने के लिए अभी और ठहरना पड़ेगा। विदेश सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सकता है। आंखों के चिकित्सकों के लिए समय अनुकूल सिद्ध हो सकता है। अपनी इच्छाओं के साथ समझौता करना पड़ सकता है। पाचन संबंधी समस्या भी रह सकती है। आईटी इंजीनियरों को करियर संबंधित लाभ हो सकता है। नर्सिंग कर्मियों को अधिक अनुकूलता भी रह सकती है। जो कल तक आपके विरोध में थे वे अब साथ आ सकते हैं। सावधानियां, युवा वर्ग मौज मस्ती में अपना समय व्यर्थ ना करें। कहीं से कोई सुखद समाचार मिल सकता है जिसकी वजह से मन उदास रहेगा, साथ ही इसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा, इसलिए अपना मनोबल बनाकर रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। घर के किसी अविवाहित सदस्य के विवाह संबंधित उचित रिश्ता आ सकता है। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। नए रिश्ते की शुरुआत होने जा रही है, ऐसे में अपनी रूप सूरत और व्यक्तित्व का खास ख्याल रखें। कोई रिश्ता आपको खुशी नहीं दे रहा है तो उसे समाप्त करना ही उचित है। याद रखें रिश्ते में दोनों तरफ से प्रयास होने आवश्यक हैं। आप अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए उत्साहित हैं।
आज अब लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे अपने विचारों को बांटेंगे और लोगों के भले के लिए काम करेंगे। अपने मन में छुपी हर बात को अपनी साथी से बांटे और आपकी जिंदगी में उसे उसकी अहमियत के बारे में बताएं। अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखें। आप अपने किसी करीबी पर इसे उतार सकते हैं। आपका साथी इस आवेग से परेशान और व्यथित हो सकता है। अपने साथी को समझाएं कि वे आपके अतीत की कुछ भावनाओं के कारण जो अनसुलझी रह गई थी। अपने कपड़ों के कुछ हिस्सों में नीला रंग पहने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करें और अगर वे अनियंत्रित रहे तो उसकी तीव्रता को कम करने की भी कोशिश करें। बात करते हैं करियर की। आप यात्रा और सामाजिकता से जुड़े व्यवसायों से जुड़े हो सकते हैं। आप अपने आप को आगे बढ़ाएं क्योंकि आप महान महत्व के लोगों के साथ बहुत अच्छा जालीय संवाद स्थापित करने में सक्षम हो सकते हैं। आपके आसपास क्या हो रहा है इस पर भी ध्यान दें। आपके प्रतियोगी आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए एक कड़ी प्रतिस्पर्धा आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अगर आप कार्यस्थल की मुश्किलों से परेशान होकर स्वरोजगार के बारे में सोच रहे हैं तो अब समय आ गया है इसकी शुरुआत करने का। आपकी मेहनत और ईमानदारी का बढ़िया परिणाम भी आपको मिलने वाला है। इस चरण में पुराने मित्रों की कंपनी आपको आकर्षित कर सकती है। पार्टी या अन्य गैदरिंग आज की खास बात है। दृढ़ रहें, अपने ध्यान को केंद्रित करें और इससे आप लोगों को प्रभावित कर सकती हैं। आपकी ऊर्जा में कमी आ सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। सफलता आपके पास नहीं आएगी, आपको उस तक जाना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में अपनी वर्तमान गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित रखें। कोई भी नया निर्णय ना लें। पैसों के लेन देन करते समय बहुत अधिक सावधानी रखना आवश्यक है क्योंकि गलती की वजह से नुकसान हो सकता है। ऑफिस में शांत वातावरण रहेगा। बात करते हैं सेहत की। घर में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, परंतु चिंता की बात नहीं होगी। आपने बहुत मेहनत से अपना डाइट कार्यक्रम तैयार किया है और उस पर चल रहे हैं। किसी शैक्षणिक लालच में पड़कर वो सारे अच्छे काम को व्यर्थ ना करें। आपका कोई दोस्त या सहकर्मी आपको उसके लिए उकसा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको अगली सुबह कैसा महसूस होगा। आशा आपके सामने ऐसे कोई मौके आएंगे, लेकिन अगर आप असफल हुए तो आपकी मूल्यवान ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। आज का उपाय, आज अब गरीबों को भोजन करवाएं शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।